हम क्या खाते हैं ये बहुत ज़्यादा वेदर पर डिपेंड करता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं और हमारे फूड प्रेफरेंसेस उसके हिसाब से चेंज हो जाती हैं। तो समर्स आ गई हैं जो अपने साथ बहुत ही अच्छी और टेस्टी डिलीशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आई हैं जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगी। तो आज जानते हैं कि कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स जो कि आप समर्स में यूज़ कर सकते हैं फॉर वेट लॉस। तो उसके लिए मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपकी डाइटिशियन आरती भसीन, आपकी हेल्थ कोच, आपको आज समर वेट लॉस डाइट के बारे में बताऊंगी जो आपको पूरा दिन फिलिंग भी रखेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग की। आप हनी एंड वाटर लीजिए जिसमें सिनेमन पेपर एंड लिटल ऑफ सेंधा नमक आप डाल सकते हैं। सेंधा नमक को अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें एटलीस्ट 1 आवर। टेक योर वाटर बॉटल विद यू जिससे आप हाइड्रेटेड रहें। ब्रेकफास्ट में आप वाटरमेलन ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतना खाइए और खुद को फुल रखें। मिड मॉर्निंग में आप डिटॉक्स वाटर लीजिए, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लंच में आप एक कटोरी फैट फ्री कर्ड की छाछ बना लें, साथ में सोक्ड ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए जिससे आपको भूख कम लगेगी। या आप कुलचा वाले जो मटर होते हैं वो आप हाफ कटोरी ले सकते हैं बॉयल्ड, जिसमें खूब सारा खीरा या टमाटर या प्याज डाल के आप उसे खा सकते हैं। या आप खरबूजा खा सकते हैं जिसे कैंटलूप या मस्मिलन भी कहा जाता है। सत्तू भी एक गुड ऑप्शन है फॉर लंच। शाम को आप नारियल पानी से रिफ्रेश रहिए, साथ ही खीरा टमाटर की सलाद भी खा सकते हैं। डिनर टाइम पे कीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। उसमें आप पनीर सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच या 2 रोटी के साथ घिया या तोरी खा सकते हैं, क्योंकि जैसे शाम होती है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमें हैवी फूड जो है वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमेशा एक फिक्स टाइम रखिए और अर्ली डिनर ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको इस प्लान में बहुत सारे जो फूड आइटम्स मैंने यूज़ किए हैं उनका बेनिफिट बताती हूँ। फर्स्टली नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो दिन में फर्स्ट ड्रिंक अगर आप नींबू पानी लिया जाए तो वो एक अच्छा फैट कटर का भी काम करता है। वाटर तो हाइड्रेट रहने के लिए समर्स में बहुत ज़रूरी है, तो क्रेविंग्स भी ये ख़त्म करता है और मंच भी नहीं करने देता क्योंकि ये हमें फुल रखता है। तो ख्याल रखें कि दिन में सिप सिप करके वाटर ज़रूर पीते रहिए। वाटर हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करता है और हमारे बॉडी के फंक्शंस में भी बहुत हेल्प करता है। समर्स में बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड न्यूट्रिशियस वाटरमेलन हमें वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। इसमें लोड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होता है और साथ ही विटामिन ए रिच भी होता है। डिटॉक्स वाटर के बहुत से बेनिफिट्स मैंने आपको डिटॉक्स वाटर वीडियो में बताए हैं, तो होपफुली फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे देखिए और डिटॉक्स वाटर लेते रहिए। कर्ड या दही बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है जो हमारे गट को ठीक और ठंडा रखता है और डाइजेस्ट करने में बहुत ही ईजी होता है। कर्ड में प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। मटरी जो कि प्रोटीन रिच है और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसमें हम सैलड्स डाल के इसको और ज़्यादा फाइबरस बना देते हैं। कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमें मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। सत्तू बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है वेट लॉस के लिए। ये बॉडी में टॉक्सिन्स रिमूव करता है, हमारे शरीर को ठंडा रखता है, डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये आयरन, सोडियम, फाइबर, प्रोटीन और मैग्नीशियम रिच होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में घिया एंड तोरी बहुत ही अच्छा होता है वेट लॉस में, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ये फाइबरस तो होते ही हैं, साथ में विटामिंस एंड मिनरल्स रिच होते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्टिबल भी होते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स वाले डाइट प्लान को आज ही फॉलो करें और समर्स में वेट लॉस करें। और न्यूट्रिशियस फूड और वैरायटी फूड डाइट प्लान्स के लिए आज ही कॉल करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे वो बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो या ये प्लान अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।